हेलो दोस्तों, अगर आपकी भी ड्राइव का आइकन ऐसा हो गया है फाइल जैसा और जैसा डिफ़ॉल्ट होता है वैसा आ नहीं रहा है, और आप इसको लाने के लिए कभी बंद कर रहे हैं एक्सप्लोरर को, कभी बार बार ओपन करके देख रहे हैं शायद वापस आए, लेकिन आ नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है? आप सबसे पहले जाएंगे विंडो के इस सर्च बार में, यहाँ लिखेंगे रेज, तो आ जाएगा रेस्टोरेटर। इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद पहले हम इसकी विंडो को साइड बाय साइड लगा देते हैं ताकि दिखते रहे हमें क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे एच की लोकल मशीन पे क्लिक करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे इसका ट्री, फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्च करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर आएगा विंडोज़, विंडोज़ को ओपन करेंगे, विंडोज़ के बाद आएगा करंट वर्जन, करंट वर्जन के अंदर आएगा एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर के अंदर आएगा ड्राइव आइकन। तो अब ड्राइव आइकन के अंदर कुछ नहीं है, तो हमें यहाँ की क्रिएट करनी है, तो राइट क्लिक करेंगे इस ड्राइव आइकन के ऊपर, राइट क्लिक के अंदर न्यू की, न्यू की के हमको बनानी है सी के लिए, सी ड्राइव के लिए। सबसे पहले बनाएंगे हम सी, सी को एंटर किया, फिर इसके अंदर भी एक और की बनानी है, राइट क्लिक करेंगे, एक और की बनाई, इसका हमें नाम देना होगा डिफॉल्ट आइकॉन, DefaultIcon। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, उस फाइल को डबल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। बस अब हम इधर राइट रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखो आइकन वापस आ गया डिफॉल्ट आइकन। इसी तरह हम टी के लिए भी करेंगे और ई के लिए भी करेंगे। ओके, अभी हम बना रहे हैं डी के लिए, डी ड्राइव सेम टू सेम करना है, उसी के ही दूसरी ई ड्राइव के लिए भी करना है। तो डी का पहले हम बना देते हैं एक और की, इसका भी नाम वही होगा डिफॉल्ट आइकन, और ई के भी हम बनाएंगे उसका भी नाम डिफॉल्ट आइकन कर देंगे। ओके, ये हो गया। अब हम चेक करते हैं रिफ्रेश करके, वही डबल क्लिक करके ओके करना है फाइल को, राइट क्लिक। अब देखो ई का आइकन तो आ गया लेकिन डी का नहीं आया, इसमें हमने मिस्टेक की है, स्पेलिंग की मिस्टेक। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये रीनेम कर देते हैं डिफॉल्ट आइकॉन। ओके, अब हम इसको फाइल को ओके करेंगे पहले। अब देखो रिफ्रेश करते हैं, ये आइकन रिटर्न आ गया। ओके, ये अब हम डन हो गया। थैंक यू।